FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाली थी 2019 में। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको बताऊं तो 2/2019 जो है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था। अगर आपने भी उसके लिए अप्लाई किया था तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि उसका जो CBT है वो हो चुका है 24/7/2019 से लेकर 26/7/2019 के बीच 13 कैटेगरीज के लिए जो CBT है वो हो चुका है। तो अब इससे रिलेटेड जो है जो रिटर्न एग्जामिनेशन होना है उसके लिए जो डेट्स हैं जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो मैं पूरा शेड्यूल आपको दिखाने वाला हूँ, आप हमारे साथ जो है बने रहें। और उसके लिए आपको करना बस इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन जो नीचे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना और जो है ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। और फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर उसको लाइक करें और फॉलो कर लेना, डेली अपडेट्स आपको दोनों ही जगह पे मिलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं जो शेड्यूल है वो जारी किया गया, आप यहाँ पर डेट जो है चेक कर पाएंगे। 9 तारीख को जो है 9 जून 2020 को शाम को जो है ये जारी किया गया था। तो जो डेट्स यहाँ पर दिखाई गई है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये टेंटेटिव डेट्स हैं यानी कि संभावित हैं, क्योंकि COVID-19 की जो सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से ही इनको जो है मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए SI नंबर ए है और बी है, इनके लिए अलग अलग जो डेट्स हैं और अलग अलग जो सेंटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो SI नंबर ए है उसकी बात करें तो देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट मैनेजर IT, IT असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इनके लिए जो डेट्स जारी की गई हैं वो है 1/8/2020 से लेकर 2/8/2020 के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। और टेस्ट जो सेंटर है वो आपका दिल्ली रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। अब इसके बाद जो ग्रुप जो बी बनाया गया है यानी कि SI नंबर जो बी है उसमें देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल और टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, ये वैकेंसीज के लिए जो 5 वैकेंसी हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो रिटर्न एग्ज़ाम वो 8/8/2020 और 9/8/2020 को होगा। इसके लिए जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी, इनमें से कोई भी हो सकता है। आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। अब देखिए इन्होंने इसमें बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब से आने शुरू होंगे। तो अभी देखिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बताया कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी सेंड टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल, यानी आपने फॉर्म आपका भरा था उस टाइम जो आपने ईमेल आईडी दी थी उसी में आपका जो नोटिफिकेशन उसी पर आपका भेजा जाएगा ईमेल पर ही, ठीक है। तो अपनी जो ईमेल आईडी है उसका अपना पासवर्ड वगैरह देख लें जो एक्टिव है कि नहीं है, तो अगर उसको एक्टिव कर लें, अगर जो डीएक्टिवेट वगैरह आपने कर ली हो तो जो SI नंबर ए बताया था उसका जो सेंटर दिल्ली रहेगा और उसके अलावा जो 5 मैंने बताई हैं SI नंबर बी के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी उनके सेंटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये 5 ये जो सेंटर है इनमें से कोई भी आपका आने वाला है। तो अब देखिए जो एडमिट कार्ड से संबंधित बात यहाँ पर इन्होंने बताई है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी सेंड टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। जो कैंडिडेट CBT में पास हो गए हैं उनको जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो उनका संदेश है वो आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा कि कब से आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए अपडेट आपको मैं जो है वीडियो के माध्यम से भी दे दूंगा, अदरवाइज आप अपना ईमेल जो है चेक करते रहें या फिर इनकी जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर जो इसको चेक कर सकते हैं। ये अपडेट आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अपडेट्स डेली आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें जो है, ताकि सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहें।